बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है। प्रभु, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप स्वयं जानते हैं कि ये व्रत मैंने बहुत मन से किया है। यदि भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूं आपके प्रति मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है, किंतु विंता तो आपकी परम भक्त है ना प्रभु, वो भी मेरे पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रही है, उसने भी व्रत रखा। विंता की पुकार सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए, क्योंकि यदि मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो उसका भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। कद्रू, कद्रू, मैंने तुम्हें विश्राम करने के लिए कहा था ना? अवश्य करूंगी, किंतु जाप करने के बाद। एक बार देखाती हूं कद्रू दीदी को। जाप कितनी बार करोगे? 108 बार। 108 बार कम है ना 108 बार? 1008 बार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीव हत्या का महापाप करने से रोक लिया। पर ये इतनी सारी चींटियां, कुछ खाने को मिलेगा वे माता? हाँ, बस अब किसी भी पल चींटियों की जीव हत्या के दोष से कद्रू का व्रत टूट जाएगा। ये तो चटाई के कोने पर जाप करने बैठ गए जहाँ चिड़िया है ही नहीं। यदि इसका व्रत पूरा हो गया तो मेरी सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। फिर से अरुण भैया के जन्म के दिन के बारे में सोच रही है ना माँ? कभी कभी जब मैं अरुण को देखती हूँ
मुझ में जो कुछ भी बुरा है सब जैसे बांध तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे जब देखती हूँ तो मेरे सारे दोष मेरे सामने आकर मुझे सत्य का दर्पण दिखाते हैं, कहते हैं देख विंता, तेरे कारण तेरे पुत्र को अर्धविकसित अवस्था में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। पर फिर जब पलटकर तुझे देखती हूँ तो लगता है कि इस जीवन में कुछ पुण्य तो अवश्य किए होंगे मैंने, जो तेरे जैसे संपूर्ण संस्कारी बुद्धिशाली और बुद्धिमान पुत्र की माँ कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। जब तुझे देखती हूँ ना गुरु तो ये जीवन मुझे एक उत्सव लगता है। जब तू तो अपने ये पंख फैलाकर आकाश में उड़ान भरता है ना तो मेरी आत्मा विस्तार पा जाती है। ऐसा लगता है मुझे कि स्वयं प्रभु विष्णु के चरण छू रही हूँ मैं। पंख कट गए तो मैं अपनी मां को दास्ता से मुक्त कैसे करा पाऊंगा? अपने भाइयों को दिया वचन कैसे निभा पाऊंगा? पिताजी की आशाओं को पूरा कैसे कर पाऊंगा? और सबसे आवश्यक तो ये है कि बिना पंखों के मैं समय से पहले महल कैसे पहुंच पाऊंगा ताकि मेरी दोनों माओं का व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो जाए और मेरे नाग भाइयों के प्राणों की रक्षा हो पाए। श्री मात्रे नमः। हे नारायण, मुझे अचानक इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कहीं मेरा पुत्र किसी संकट में तो नहीं? मैं आपको वचन देता हूं भैया, मैं मां को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा। वचन देता हूं मैं। पुत्र गरुड़, अपने उद्देश्य को भूलकर तुम यहां क्यों रुक गए? एक बार किसी कार्य को करने का निश्चय कर लो तो फिर मन को भटकने नहीं देना चाहिए। जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करो। महारानी, मैं नोनी का साग समय से पहले ले आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े।
कैसे कर पाऊंगा मैं ये सब, कैसे? परंतु गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। गुरु का ऋण ना चुकाने का महापाप नहीं करूंगा मैं। अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा और शिष्य धर्म का पालन करने के लिए तुम अपने पंखों का त्याग कर रहे हो, इतना बड़ा बलिदान, धन्य हो तुम गरुड़। विंता ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि उसके एक पुत्र का पांव नहीं है और अब दूसरे पुत्र के पंख भी नहीं रहे। तूने क्या किया भाई? अब हमारी मां को उनके कष्टों से मुक्त कैसे करवाएगा तू? तुमने अपना वचन निभाकर अपने हाथों से ये पंख काटकर मुझे प्रसन्न किया है गरुड़। मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं। ये लो, ये नोनी का साग ले जाओ और अपने भाइयों के जीवन की रक्षा करो गरु। मैं तो बस कुछ ही क्षणों के लिए गरुड़ से मिली थी स्वामी, केवल कुछ समय के लिए। भाभी माँ सुना था मैंने,
इसकी भाभी माँ होने का अनुभव किया था और फिर भी इसे इस दशा में देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो इसकी माँ जब इसे ऐसे बिना पंखों के रक्त से सना हुआ देखेगी तो उनकी क्या दशा होगी स्वामी? धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। मैं जानता हूं कि मुझे सांसारिक घटनाओं से स्वयं को तटस्थ रखना है, किंतु गरुड़ की यह पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। पंख कटने से जितनी पीड़ा उसके तन को हो रही है, उससे कई अधिक पीड़ा उसका मन सह रहा कि अब वो अपने नाग भाइयों के जीवन की रक्षा कैसे करेगा। जिन नागों ने मां कद्रु ने इसे और इसकी मां को इतने कष्ट पहुंचाए, ये उनके कष्ट के लिए व्याकुल हो रहा है जो सदैव परोपकार की भावना अपने मन में रखता है। महर्षि अगस्त्य उनके साथ इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? प्रभु, गरुड़ के पंख ही नहीं रहेंगे तो केवल विंता मां का ही नहीं, सभी भक्तों का अपने अपने ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। हे प्रभु विष्णु, हे नारायण, ये कैसी लीला है आपकी? तो क्या बिना पंखों के मेरे तन में तनिक भी शक्ति नहीं है? एक पक्षी को उसके पंख इसीलिए सबसे अधिक प्रिय होते हैं क्योंकि उसमें उसके प्राण बसते हैं। अब पंख नहीं रहे तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.